तो सत्यपाल मलिक जी ने अदानी जी वाले मुद्दे पर भी अपने विचार रखे कि प्रधानमंत्री को यह अदानी वाला जो मामला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तमाम कारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताते हैं, आज से कुछ महीनों पहले तक वो प्रधानमंत्री के चहेते नेता थे, आज से कुछ महीनों पहले वो राज्यपाल भी थे, आज से डेढ़ साल पहले वो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के राज्यपाल थे, दो ढाई साल पहले। तो ये स्थिति साहब ने एजेंसीज की बना दी है, ये स्थिति साहब ने संविधान की बना दी है। और ये व्यक्ति कौन है सत्यपाल मलिक? कोई कांग्रेस के नहीं है, कोई विपक्ष के नहीं है। आज भी जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, आज भी सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया, वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी, कि ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने? तबीयत तो ठीक है साहब की हमारे, 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में, हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। लेकिन 10 दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, ये हैरानी की बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा, कोई तो मुंह खोलेगा, कोई जानकारी देगा, कोई जवाब देगा, कोई प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सुरक्षा में चूक थी, 5 विमान अगर मुहैया करा दिए जाते जवानों को सीआरपीएफ के, तो ये आतंकी हमले से वो बच सकते थे। सरकार ने वो विमान देने से इनकार कर दिया। यह बात 2019 में 14 फरवरी की शाम को जब प्रधानमंत्री जी को फोन पर सत्यपाल मलिक जी ने बताई कि साहब ये लापरवाही है, ये चूक है जिसके चलते हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। इतना बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, एक इंटरव्यू में किया, उसके बाद भी एकदम चुप्पी सरकार की तरफ से। हां, ट्रोल आर्मी जो है इनकी सत्यपाल मलिक जी के पीछे पड़ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार के विषय में भी कुछ कहा, कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिए, उन्होंने उदाहरण दिया गोवा के, जब वो राज्यपाल थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में गोवा के मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचार है वो जब लाए, तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पर नहीं हुई। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को आनन फानन में हटा दिया गया गोवा से, एक विशेष विमान भेजा गया उनको कि यहां से रवाना करो, यहां बैठो भी नहीं, रुको भी नहीं, एक दिन भी नहीं रुको। तो सत्यपाल मलिक जी ने अदानी जी वाले मुद्दे पर भी अपने विचार रखे कि प्रधानमंत्री को यह अदानी वाला जो मामला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तमाम कारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसीज, अब सत्यपाल मलिक जी का पता उन्हें मिल गया, अब वो जा रहे हैं। आपको याद होगा यही बात बिना राम माधव का नाम लिए सत्यपाल मलिक जी ने 2021 में भी बोली थी, कहा था आरएसएस के एक
व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, वो एक दो प्रोजेक्ट्स में बड़ी रुचि रख रहे हैं जिसमें 300 करोड़ की रिश्वत इन्हें सत्यपाल मलिक जी को भी मिल सकती है। उसके बाद भी सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था 2021 की अक्टूबर में। आज फिर से खबर तो यह आ रही है कि सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सीबीआई रिकॉर्ड करने वाली है। जिस व्यक्ति का नाम लिया उसके बारे में कोई जानकारी? क्या राम माधव से कोई पूछताछ हुई सीबीआई की तरफ से? कोई और एजेंसी का नोटिस उन्हें गया? अगर गया तो यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इसमें क्यों छिपाया जा रहा है? क्या राम माधव के तार आरएसएस में और ऊपर तक जुड़े हैं? क्या वो प्रधानमंत्री के वाकई नजदीकी हैं? ये तमाम सवाल सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद मुंह बाए खड़े हैं। हम सब इनके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। यह संदेश दिया जा रहा है सीबीआई को सत्यपाल मलिक के पीछे लगाकर, एक संदेश ना केवल सत्यपाल मलिक को दिया जा रहा है। और वो संदेश क्या है? वो संदेश वही है जो 14 फरवरी 2019 को उन्हें फोन पे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तुम चुप रहो। फिर से वो संदेश अब की बार सीबीआई के मार्फत दिलवाया जा रहा है सत्यपाल मलिक जी को कि आप अभी भी चुप रहिए तो आपके लिए, आपका भलाई इसी में। ना केवल यह संदेश सत्यपाल मलिक के लिए है, यह संदेश ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो न तो पेड़ हैं और ना ही वो रेड से डरते हैं। उनमें जमीर है, उनके भीतर सत्य की आवाज है, वो आज सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। तो उनको ये धमकाया जा रहा है कि अगर आप सत्यपाल मलिक जी की तरह मुंह खोलेंगे तो आपके दरवाजे पर भी सीबीआई दस्तक देगी। ये स्थिति साहब ने एजेंसीज की बना दी है, ये स्थिति साहब ने संविधान की बना दी है। और ये व्यक्ति कौन है? सत्यपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है, कोई विपक्ष के नहीं है। आज भी जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, आज भी सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। आज से कुछ महीनों पहले तक वो प्रधानमंत्री के चहेते नेता थे, आज से कुछ महीनों पहले वो राज्यपाल भी थे, आज से 1.5 साल पहले वो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के राज्यपाल थे, 2.5 साल पहले। तो लगातार आपने उनको एक से एक अच्छी पोस्ट दी। आज जब वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो आप सीबीआई उनके पास भेज रहे हैं। जिस पर आरोप लगाया, सुना है वो अमेरिका में घूम रहे हैं, और जिसने आरोप लगाया वो अब सीबीआई के चक्कर काटेगा। तो जो राहुल गांधी बार बार हम सबको कहते हैं, डरो मत, यह बात अब लोगों को समझ में आने लगी है। यह बात शायद सीबीआई को भी समझ में आने लगी है, 10 दिन इसीलिए लगे होंगे। और सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद ऐसे कई लोग हैं जो और कई खुलासे करने वाले हैं। इस सरकार के 9 साल जिस तरह से गुजरे हैं, जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह की नीतियां निर्धारित की गई हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो इन्हें ये छुपाना चाहते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो वो बातें बताना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप सबके लिए बहुत रोचक होने वाले हैं और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा सत्यपाल मलिक जैसे लोग ही करते हैं जो सही वक्त पे बोलना जानते हैं।